नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। चीन में कोरोना वायरस से ग्रस्त वुहान शहर से 323 भारतीयों और मालदीव के सात नागरिकों को लेकर एयर इंडिया की दूसरी उड़ान आज दिल्ली पहुंची। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा, उधम सिंह नगर के हरिपुरा बौर जलाशय को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाया जाएगा, पर्यटकों को मिलेगी और बेहतर सुविधाएं। जल संरक्षण अभियान के तहत बागेश्वर जिले में जल स्रोतों के संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा। 15 ग्राम पंचायतों में जल स्रोतों को सफाई और मैपिंग से किया जा रहा पुनर्जीवित। और चमोली जिले में राजकीय उद्यान कोठियाल सैंड को हॉटी टूरिज्म के रूप में विकसित कर रहा जिला प्रशासन। जिलाधिकारी ने बताया, पार्क में वैज्ञानिक उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगेगी। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस प्रभावित चीन के वुहान से 323 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का दूसरा विमान आज सुबह नई दिल्ली पहुंचा, जिसमें भारतीय दूतावास के दो अधिकारी और सात मालदीव के नागरिक भी आए हैं। आज आने वाले विमान में उत्तर प्रदेश के 53 और बिहार के 42 लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों के भी नागरिक शामिल हैं। एयर इंडिया के दो विमानों द्वारा अब तक 647 लोगों को वुहान से निकाला जा चुका है। चीन की यात्रा करने वाले केरल के एक व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की रविवार को पुष्टि होने के साथ ही भारत में इस बीमारी का दूसरा मामला सामने आया है। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला भी केरल में दर्ज किया गया था, जहां एक छात्र के इससे पीड़ित होने की पुष्टि हुई थी। वहीं भारत सरकार ने लोगों से इस वायरस को लेकर किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने को कहा है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वो साफ सफाई पर खास ध्यान दें। हमारे देश में ना फैले, उसके लिए आप पर्सनल हाइजीन ऑब्जर्व करिए। अगर आपको खांसी है तो जिसे कहते हैं कफ गुड एडिकेट ऑब्जर्व करिए। इसका मतलब क्या है कि या तो रुमाल या टिश्यू पेपर में खांसीए, अपने एल्बो में खांसीए, ताकि दूसरों को ये इन्फेक्शन ना दें। आप चाइना से आए हैं, स्पेशली वुहान से आए हैं, या सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकॉन्ग से आए हैं, तो आने के बाद 14 दिन प्लीज़ अपने होम आइसोलेशन में रहिए। अपने परिवार, अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा कांटेक्ट मत करिए। अगर आप किसी के कांटेक्ट में आए जो चाइना या इन कंट्रीज़ के कांटेक्ट में आया किसी और व्यक्ति के, तो तब भी आपको अपना ये 14 दिन का आइसोलेशन ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सारे हमारे जो भारत भर में डॉक्टर्स हैं और ऑफिशियल्स हैं, वो भी रेडियो टॉक्स दे रहे हैं, वो भी टीवी पे आके बता रहे हैं। तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही आप लीजिए। और कोई भी आपका सवाल है तो हमारी एक हेल्पलाइन है, उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं। इस हेल्पलाइन का नंबर नोट करिए, 011-239-78046। तो हम सबको, हम सब भारतवासियों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, पैनिक नहीं हमें करना। कोरोना वायरस से सुरक्षा के मद्देनजर प्रदेश में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। प्रशासन के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में एहतियातन आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। वहीं टिहरी जिले के जिला अस्पताल बौराड़ी और संयुक्त चिकित्सालय नरेंद्र नगर में 7 बेड के आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। इसके साथ ही डॉक्टरों की एक टीम का गठन किया जा रहा है। टिहरी जिले की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ मीनू रावत ने बताया कि अभी तक जिले में कोरोना वायरस से आशंकित कोई मरीज नहीं है, लेकिन एहतियातन सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन सतर्कता के संबंध में हमारे यहाँ ये हमारी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ये बौराड़ी और संयुक्त चिकित्सालय नरेंद्र नगर में, वहाँ पर हमारे यहाँ 7 बेड्स के मतलब 14 बेड्स फुल आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। बेड्स बनाए गए, 14 बेड हैं, बिस्तर मतलब तैयार रखे हैं, अगर स्थिति से निपटने के लिए अगर कोई मरीज आ जाता है। और दूसरी बात यह है कि इसके लिए हमने अपने जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर हमने दो आइसोलेशन बेड्स, वो भी हमने उसकी व्यवस्था करी हुई है अगर कोई मरीज आता है।
जिला चिकित्सालय बौराड़ी के अधीक्षक डॉक्टर अमित राय ने कहा कि जिला अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं। उन्होंने सलाह दी कि इस वायरस के लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। वायरस एक इससे घबराने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल कोल्ड है, खांसी जुकाम जो होता है वो है। और अगर किसी को लगता है कि ऐसे सिम्टम्स हैं तो वो अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखा दें, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। और हमारे हॉस्पिटल में इसकी पूर्णतः से व्यवस्था कर रखी है, आइसोलेशन वार्ड बना रखा है हमने, 7 बेड का आइसोलेशन वार्ड है और दवाइयाँ भी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। राज्य सरकार उधम सिंह नगर जिले में हरिपुरा बौर जलाशय को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है। यह जानकारी काबीना मंत्री अरविंद पांडे ने हरिपुरा बौर जलाशय में एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि हरिपुरा बौर जलाशय खूबसूरत स्थल है जिसका उपयोग प्रदेश हित में करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में हरिपुरा बौर जलाशय पर्यटन के क्षेत्र में बहुत आगे जाएगा। श्री पांडे ने कहा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए जलाशय को टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए चुना गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में हरिपुरा बौर जलाशय पर्यटन का बड़ा हब साबित होगा। यहां पर पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बौर जलाशय हिंदुस्तान नहीं विश्व के मानचित्र पे ये फलीभूत हो, यह मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण सपना था और जिसको मैंने बहुत खुली आंखों से देखा था। और ईश्वर की कृपा है, यहाँ के जनता का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया, मुझे दूसरी बार विधायक बनने का मौका मिला और मैं प्रदेश में मंत्री बना। तो यह मेरी जिद थी कि इस जलाशय को डेस्टिनेशन के रूप में घोषित करना है। और मैं इस काम के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि 13 डेस्टिनेशन घोषित प्रदेश के अंदर हुए, उसमें से इस बौर जलाशय को भी उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार किया उन्होंने और डेस्टिनेशन इसको घोषित किया, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। पर्यटक तृप्ति का कहना है कि बौर जलाशय को डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने से सुविधाओं का विकास होगा जिससे पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी। जैसे कि इस क्षेत्र के बारे में लोगों को पता नहीं था, और पता भी था तो पता नहीं था कि इतना यहाँ पे बोटिंग भी शुरू हो गई है और इतनी सारी एक्टिविटीज यहाँ पे हो गई हैं। तो अब ये है कि लोगों को नैनीताल या गोवा जैसी जगह पे घूमने को नहीं मिलेगा, जितना वहाँ पे वो लुत्फ़ उठाते हैं वो सारा लुत्फ़ यहाँ पे उठा सकते हैं। और काफ़ी अच्छा है, देख के भी काफ़ी अच्छा है, विकास काफ़ी हुआ है यहाँ पे। बागेश्वर जिले में जल संरक्षण के लिए 35 पेयजल योजनाओं का चयन किया गया है। इनके संवर्धन और पुनरुद्धार के लिए जल निगम, जल संस्थान और स्वजल परियोजना विभाग कार्य कर रहा है। विभाग द्वारा यह संदेश दिया जा रहा है कि जल संरक्षण न केवल वर्तमान दौर के लिए आवश्यक है बल्कि सुनहरे भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार के जल संरक्षण अभियान के तहत जल स्रोतों के संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा जल और परंपरागत स्रोतों के संवर्धन के लिए रथ के माध्यम से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम भी किए गए। इसके तहत 15 ग्राम पंचायतों में जल स्रोतों की सफाई के साथ 70 स्रोतों की मैपिंग कर चाल खाल बनाए गए और सघन पौधरोपण किया गया। जल संरक्षण और संवर्धन के लिए हमारे विभाग द्वारा कई काम किए जा रहे हैं जिनमें से मुख्यतः चाल खाल बनाने का है। हमारा लक्ष्य इस साल का 15 चाल खाल बनाने का था, हमने इसके अगेंस्ट 20 चाल खाल बनाए हैं और 1025 केएल पानी लगभग उसमें बसता है। इसके अलावा कुछ जहां हमारी अपनी जगह है उनमें भी हमने कुछ पौधारोपण किया है और साथ ही जो सिस्टर्न लगे हुए हैं बाथरूम वगैरह में उनमें पानी की बोतलें आधी बोतल और आधा रेत भर के भी हमने उससे भी पानी बचाने की कोशिश की है। जल संवर्धन में बागेश्वर जिले में वृक्ष पुरुष के नाम से प्रसिद्ध किशन मलड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने सैकड़ों सूख रहे नौलों धारों के आसपास चौड़ी पत्तियों के पौधों का पौधरोपण कर उन्हें पुनर्जीवित किया है। जल संरक्षण के लिए मैं सरकार का और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। वास्तव में ये एक जीवनदायिनी पहल है, जल का संरक्षण होना नितांत आवश्यक है। इसके लिए सर्वप्रथम हमें इसके प्रचार प्रसार के साथ ही लोगों को पेड़ पौधे अधिक से अधिक संयुक्त रूप से लगाने के लिए जागरूक करना पड़ेगा और अपनी स्वयं की भरपाई इस प्रकार से हो कि हम जितना अधिक चाहें पेड़ लगा सकें और नहीं भी अगर पेड़ हमसे लगते हैं तो किसी न किसी रूप से जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उनका संरक्षण जरूरी अपने हृदय से करें।
वहीं ग्रामवासी रमेश पर्वतिया का कहना है कि जल संरक्षण के लिए चौड़ी पत्ती वाले पौधे उतीस बांज तिमिल खरसू रिंगाल के वन विकसित करने से जल संकट की समस्या से काफी हद तक निदान मिल सकता है। मंत्री जी ने भी अपने कार्यकाल में जल संरक्षण और जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण समस्या भी पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण समस्या भी आज इसको एक राष्ट्रीय कार्यक्रम घोषित किया है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है और हम देख रहे हैं कि हमारे इस पर्वतीय अंचल में जहाँ पहले से काफ़ी मिश्रित वन हुआ करते थे अब मात्र चीड़ के जंगल हैं, जिससे जंगलों में आग की समस्या बढ़ रही है। जंगली पशुओं को वहाँ पर कोई भोजन चारा पत्ती नहीं मिलने से वो घर खेतों में पहुँच जा रहे हैं, लोग तबाह हो रहे हैं, जल स्रोत रुकते जा रहे हैं। जल संरक्षण के लिए बागेश्वर में नगरपालिका भी नदियों को स्वच्छ रखने के साथ ही लोगों को जागरूक कर रही है, जिसके अब सार्थक परिणाम आने लगे हैं। को जानकारी में है कि हम जो हमारे नदी नाले हैं इनमें साफ सुथरा रखना, जगह जगह पर वृक्षारोपण करना, हम लोगों को ये सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं बार बार कि पानी आप अनावश्यक न बहाएं या नलों का उपयोग जो आप करते हैं उसको समय से बंद कर दें, पानी गिरे न, उतना ही पानी गिराएं जितने आवश्यकता हो। एक ओर जहां धरती का दो तिहाई भाग पानी से घिरा है, वहीं इसमें 2.5% ही पीने का पानी उपलब्ध है, इसलिए जरूरी है कि भावी पीढ़ी के लिए जल का संवर्धन किया जाए। चमोली के राजकीय उद्यान कोठियालसैंड को हॉर्टी टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। 2.74 हेक्टेयर में फैले इस उद्यान में पिकन नेट नटफ्रूट के 5,000 और अमेश के 2,000 पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा अच्छी प्रजाति के गेंदा और ट्यूलिप फूल की नर्सरी भी तैयार की गई है। वहीं 2 नाली भूमि पर राई बीज तैयार किया जा रहा है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि पर्याप्त भूमि और हॉर्टी टूरिज्म की संभावना को देखते हुए उद्यान को और विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि उद्यान का भ्रमण करने वाले किसानों, काश्तकारों, विद्यार्थियों और पर्यटकों को यहाँ पर तैयार की जा रही विभिन्न प्रजातियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर स्कूली बच्चे विज्ञान को व्यवहारिक तौर पर समझ सकें, इसके लिए साइंस पार्क भी बनाया जा रहा है। साथ ही बिरला साइंस म्यूजियम हैदराबाद से विज्ञान के सिद्धांतों को समझाने के लिए 22 साइंस उपकरणों की प्रदर्शनी लगाने का प्रयास भी किया जा रहा है। से पैसा नहीं आ पाया था तो उसमें इस बार जिला योजना से पैसा देकर उसको कंप्लीट कराया गया और साथ में और शिक्षा विभाग को भी पैसे देकर उसमें साइंस पार्क का शुरुआत करने के लिए इस बार शुरुआत की गई है। तो उसके लिए बिरला साइंस म्यूजियम से संपर्क करके वहाँ पे हमारे 22 तरीके के इक्विपमेंट्स वहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जिससे कि वहाँ जितने भी स्कूली बच्चे हैं या फिर बच्चों के लिए वहाँ पर मनोरंजन का भी साधन रहेगा और साथ में जितने भी हमारे साइंस के थ्योरम्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह के, वो सब उनको प्रैक्टिकली कर देखने को मिलेगा, जिससे कि उनके साइंटिफिक टेम्परामेंट में और ज़्यादा वृद्धि हो सके और ये एक्सकर्शन के लिए भी बहुत अच्छा स्पॉट बन जाएगा हमारे एजुकेशनल एक्सकर्शन। लेफ्टिनेंट जनरल जयवीर सिंह नेगी ने देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी के 49वें कमांडेंट के रूप में पदभार संभाल लिया है। लेफ्टिनेंट जनरल जयवीर सिंह नेगी ने अपने शानदार सैन्य करियर में 4 दशकों के दौरान भारत और विदेशों में कई महत्वपूर्ण कमान की जिम्मेदारी संभाली। वो पश्चिमी सेक्टर में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान 1 बटालियन के कमांडर रहे। उनके पास देश के सभी इलाकों में परिचालन और सेवा का व्यापक अनुभव है। समर्पित और विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक और बार से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र के सेना कमांडर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत आज देहरादून के परेड मैदान स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बाल दौड़ आयोजित की गई। बाल दौड़ का आयोजन उत्तरांचल प्रेस क्लब ने खेल विभाग से संबद्ध डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के तकनीकी सहयोग से किया। दौड़ 3 आयु वर्ग की 5 श्रेणियों में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में करीब 50 बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के समापन पर प्रत्येक श्रेणी में प्रथम 3 विजेताओं के साथ ही प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। चीन में कोरोना वायरस से ग्रस्त वुहान शहर से 323 भारतीयों और मालदीव के 7 नागरिकों को लेकर एयर इंडिया की दूसरी उड़ान आज दिल्ली पहुंची। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा, उधम सिंह नगर के हरिपुरा बौर जलाशय को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाया जाएगा, पर्यटकों को मिलेगी और बेहतर सुविधाएं।
जल संरक्षण अभियान के तहत बागेश्वर जिले में जल स्रोतों के संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा। 15 ग्राम पंचायतों में जल स्रोतों को सफाई और मैपिंग से किया जा रहा पुनर्जीवित। और चमोली जिले में राजकीय उद्यान कोठियालसैंण को हॉटी टूरिज्म के रूप में विकसित कर रहा जिला प्रशासन। जिलाधिकारी ने बताया पार्क में वैज्ञानिक उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगेगी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।